आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। हाय ला, चिपकाते हुए बेटे का टॉय हाथ पे चिपका, पुअर बॉय। आम चिपकाने वाले चिपका जाते, इसलिए नया रेजी क्विक निकले, एक टाइम पे एक ही ड्रॉप जोड़े एकदम लल्लन टॉप। रेजी क्विक सिर्फ चिपकाओ नहीं। बिजनौर के किरतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम किथौड़ा में उस वक्त बिजली विभाग एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जब एक बच्ची अपने पशु को चराने के लिए घर से निकली थी कि इस दौरान बिजली के खंभे में अचानक करंट आने से पशु की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बच्ची बाल बाल बच गई। पशु की मौके पर मौत होने के बाद पशु मालिक के घर मातम का माहौल छा गया। वहीं पशु मालिक का कहना है कि कई बार बिजली विभाग को फोन किया, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारियों ने ग्राम प्रधान द्वारा तहरीर देने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया, और जब प्रधान से बात की तो ना तो प्रधान आया और ना ही बिजली विभाग ने आना गवारा समझा। और इतना ही नहीं, बल्कि पास में ही एक प्राइमरी स्कूल भी है जहां छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। वहीं स्कूल के प्रबंधक ने बताया कि काफी समय से इसकी शिकायत बिजली विभाग से कर चुके हैं, लेकिन कोई अधिकारी सुनवाई करने को तैयार नहीं है। ये हादसा जो हुआ है आज स्कूल के पास, तो ये बहुत दुखदायी है और ये नहीं होना चाहिए था। इसमें बिजली विभाग की घोर लापरवाही है और ऐसा बंदोबस्त किया जाए जिससे कोई दोबारा ये पुनरावृत्ति ना हो सके, ये हम चाहेंगे। क्या क्या मामला है? पूरा पूरा मामला ये है भाई, गांव में जो है लोग छोटा मोटा कारोबार करते हैं, गरीब आदमी रहते हैं, जानवर पालते हैं और इनसे ही अपना कारोबार चलाते हैं, और यहाँ बिजली का ऐसा एक ऐसा खंभा खड़ा हुआ है। कई बार कंप्लेंट कर दी, कई बार कह दिया, इसकी कोई भी सुनवाई नहीं करता, और आज ये हादसा हो चुका। हमने कई बारी कहा भी कि यहाँ पे आ जाओ, बहुत फ़ोन करे, जय को भी फ़ोन करा, और जय ने प्रधान के लिए बोला कि प्रधान नहीं है क्या। प्रधान ने भी आके गाँव में ही ये भी नहीं पूछा क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन है कौन नहीं। वो किसी तरह किसी की भी सुनवाई नहीं करता किसी भी काम में। बिजली विभाग से आए? बिजली विभाग से कोई नहीं आया, और ऊपर से हमें फोन में धमकी और दे रहे हैं कि उसको हटा लो, उसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्या गलती है। सरकार कह रही है कि गोहत्या बंद करो, और सरकार की लापरवाही से ये सारे काम हो रहे हैं। हम इतने प्यार से जानवर पाल रहे हैं ना, हमारे घर की वीडियो देखना किस तरह रो रहे हैं, इतना तो आदमी मरने पर भी नहीं रोकते। तो आपको अब क्या करना है? क्या करना है भाई इसका, तो बस जो भी कुछ हो सरकार को दिखाओ, जैसा भी हो इसका कुछ ना कुछ तो करो। यहाँ बहुत सारे बच्चे भी खेल रहे थे जिस टाइम ये हादसा हुआ, वो भी थे, और एक बहन जो इसे बांधने लेके जा रही थी, बिजली ने उसको भी उसके हाथ से इसका रस्सा छोड़ के वो दूर फेंक के मारी और ये वहीं गिर गया बछड़ा। चल, स्कूल के बच्चे लंच होता है यहाँ पे खेलते हैं, ये तो दालान पड़ा हुआ खेल का मैदान है, बहुत चौड़ा, अभी तक यहाँ चिनाई विनाई नहीं करी, पास में स्कूल है। चलो आज तो ये जानवर था, कल किसी के बच्चे के साथ भी ये हादसा हो सकता, बड़े के साथ भी हो सकता, तो इसके